इन्होंने बॉलीवुड स्टार को डेट किया है, मगर ये विराट कोहली नहीं है। एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं, पर युवराज सिंह नहीं है। शराब का शौक रखते हैं, मगर केशतु मुखर्जी नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू रेड एफएम्स किस्सा क्रिकेट। आज हम बात कर रहे हैं रवि शास्त्री की, वो शख्स जो 4 दशकों से इंडियन क्रिकेट पर छाए हुए हैं, पहले बतौर खिलाड़ी, फिर कमेंटेटर और अब हेड कोच। शास्त्री ने 19 साल की उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू किया। शुरुआत बतौर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और नंबर 10 बैट्समैन से की, पर एक ही साल बाद इंडिया के लिए ओपन करने लगे। नंबर 10 से नंबर 1 तक एक साल में। उनके ओपनर बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इंडिया 1982 में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रहे थे और बॉब विलिस और इयन बॉथम की स्विंग बॉलिंग के सामने इंडिया के नए ओपनर गुलाम पार्कर फ्लॉप हो गए। फिर मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था। तीसरे दिन इंडिया को बल्लेबाजी करनी थी और उससे एक रात पहले रवि शास्त्री संदीप पाटिल के साथ बैठकर अपने कमरे में शराब पी रहे थे। बोतल खुली हुई थी, जाम छलक रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक। दरवाजा खुला और अंदर कौन आए? कप्तान और महान सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर। गावस्कर ने सीधे ही शास्त्री से सवाल पूछा, ओपनिंग करेगा कल? शास्त्री कहते हैं कि उनका सारा नशा उतर गया, सर हिलाया और कहा हां करूंगा। हैंगओवर कहें या नर्व्स, अगले दिन 0 पर आउट हो गए। पर लंदन में अगले मैच में शास्त्री ने 66 रन बनाए और उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। लंबी कदकाठी, घुंघराले बालों वाले शास्त्री क्रिकेटर कम और रॉक स्टार ज्यादा लगते थे। फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत थी। जिस वक्त शास्त्री इंडियन क्रिकेट के उभरते हुए सितारे थे, उसी वक्त सुपरहिट मूवी बेताब के बाद अमृता सिंह टॉप पर थी। एक पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई एंड लाइक दे से दे हिट इट ऑफ, उनकी गाड़ी चल निकली। अमृता सिंह से ब्रेकअप के बाद अफवाहें उड़ी कि शास्त्री उस वक्त की टेनिस की ग्लैम गर्ल अर्जेंटीना की गैब्रियला सबाटिनी के करीब आ गए हैं। अभी 2-1 साल पहले सुनने में आया कि वो बॉलीवुड स्टार निमरत कौर को डेट कर रहे हैं। शास्त्री 60 साल के होने वाले हैं, पर अपनी प्लेबॉय फितरत के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए पर गुलाटियां मारना नहीं भूलता। शास्त्री को जिंदगी में गालियां भी बहुत पड़ी हैं, आज तक पड़ती हैं। इंडियन टीम जब कोई मैच जीतती है तो खिलाड़ियों की जम के तारीफें होती हैं, लेकिन अगर कोई मैच हार जाए तो लोग शास्त्री को ट्रॉल करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर शास्त्री और शराब के मीम्स आने शुरू हो जाते हैं। शास्त्री को इसकी भी आदत है। बतौर खिलाड़ी जब वो स्लो बैटिंग करते थे तो स्टेडियम में शास्त्री हाय हाय के नारे गूंजते थे। ये नारा इनफैक्ट इतना पॉपुलर हो गया कि एक बार शास्त्री टीम में थे भी नहीं, मैच टीवी पर घर पर देख रहे थे और स्टेडियम में जनता शास्त्री हाय हाय कर रही थी। इन वाक्यों ने, इस क्रिटिसिज्म ने शास्त्री को तोड़ा नहीं बल्कि उनको मजबूत किया और उनको प्रेरित किया कि वो अच्छा करें, और बतौर कोच वो ही जज्बा उन्होंने अपने शागिर्दों को दिया है। तो ये थे रवि शास्त्री की जिंदगी के कुछ किस्से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। शुक्रिया।